कल एक्चुअली एक हादसा हुआ है केदारनाथ में। बात बड़ी दुख की बात है वो चीज़, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोग क्रैश हो गए थे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग बढ़िया अच्छे होंगे। सो कल हम लोग एक्चुअली रिटर्न उतर गए थे, पर हम लोग बद्रीनाथ नहीं जा सके। उसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल और बारिश गिर रही थी, तो उसके वजह से बसेस नहीं जा रहे थे। और दूसरा ये रीज़न था कि कल एक्चुअली एक हादसा हुआ है केदारनाथ में। बात बड़ी दुख की बात है वो चीज़, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोग क्रैश हो गए थे और तो वो लोग अभी रहे नहीं हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी सब जगह नहीं स्टॉप हो गया था थोड़ा, तो उस वजह से हम लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाए। तो हम लोग पूरे दिन सोनप्रयाग में रुके हैं और सोनप्रयाग से अभी हम लोग सुबह आज निकल रहे हैं। तो चलिए जाते हैं और सोनप्रयाग का आपको मैं रूम दिखा देता हूँ कि रूम कितने का मिला, और बहुत अच्छा रूम है। ये देख लीजिए, रूम मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा एक रूम है और ये यहाँ पे दूसरा रूम है। ये पूरा दूसरा रूम है। और ये बाहर का व्यू है, आपको अभी दिखेगा नहीं। ये एग्जिट आप जब सोनप्रयाग एंटर करते हो ना, यहाँ पे हमको पर पर्सन 1000 में पड़ा है। तो आप कभी भी आओ सोनप्रयाग में स्टे करना हो तो ये अच्छा है, गर्म पानी भी मिलता है, सब मिलता है, तो आप आ सकते हो। सब लोग तो नीचे चले गए, मैं अकेला ही बाकी रह गया हूँ, तो मैं नीचे उतरता हूँ, आगे की जर्नी आपको आगे दिखाता हूँ। ओके चलिए। अभी हम लोग एक हॉल्ट पे रुके हैं, ये दूसरा हॉल्ट है। पहला हॉल्ट पे हम लोग ने नाश्ता किया था, ये दूसरा हॉल्ट है जो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो क्या पानी जा रहा है, ऑसम ऑसम फील हो रहा है। और सब लोग अभी फोटो सेशन चालू हो गया सबका। सो अभी हम लोग यहाँ पे बद्रीनाथ में आ चुके हैं। अब बद्रीनाथ में हम लोग ने होटल ले लिया है, होटल बहुत अच्छा है। 2 रूम लिए, एक आपको दिखा देता हूँ कि 3 जन के लिए लिए और दूसरे 6 जन के लिए, टोटल हम लोग 10 जन हैं। तो दिखा देता हूँ चलो रूम, ये 3 जन के लिए है और आगे मैं दिखा देता हूँ।
आगे 7 जन के लिए रूम लिया हुआ है। ये 7 जन के लिए रूम लिया हुआ है। हर हर बाबा केदारनाथ महादेव महादेव। इतना अच्छा रूम, आपको रूम का लोकेशन भी मैं यहाँ पे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे आपको दिखा दूंगा कि रूम का लोकेशन कौन सा है और क्या नाम है रूम का और कितना अमाउंट आपको पर पर्सन पे आता है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा डिटेल। सो गाइज, अभी हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के लिए आ गए। आपको दिखा देता हूँ बद्रीनाथ का मंदिर। और गाइज बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी।